मैं इस मंदिर से भी पूजा करके मैं आ गई हूँ। राखी मेरी चाय बन रही है, ये देखो आप लोग भी आ जाइए चाय पी लीजिए। कैसे हो सभी, होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। सो गाइस, शाम का टाइम है और मैं पी रही हूँ चाय, आप लोग भी आ जाइए शाम वाली चाय पी लीजिए। शाम के बज गए हैं 6:15 और मैं पी रही हूँ चाय। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि राखी पे मुझे कितनी साड़ियाँ मिली और कैसी मिली। तो चलिए पहले चाय पी लूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि मुझे कैसे कलर की कैसी कैसी साड़ियाँ मिली हैं। सो गाइस, साड़ी दिखाने से पहले आप लोग मेरा ये पूरा ब्लॉग देखिएगा, जब तक मैं चाय पीती हूँ तब तक आप मेरा पूरा ब्लॉग इन्जॉय कीजिएगा। ये ब्लॉग ना सावन के महीने का है, मेरा सोमवार का व्रत था, लास्ट सोमवार था सावन का, तो अचानक से मैंने देखा गैलरी में, मैं गैलरी चेक कर रही थी तो मुझे ये ब्लॉग दिख गया। मैंने कहा ये तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही नहीं, तो चलिए आप इसको एंजॉय कीजिए पूरे ब्लॉग को, और चाय पीने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे कैसी कैसी साड़ियाँ मिली हैं राखी पे। तो चलिए पूरा ब्लॉग एंजॉय कीजिएगा, मैं पी लेती हूँ चाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति सिकरवार ब्लॉग में। कैसे हो सब, होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, और होना भी चाहिए। सो गाइस, सुबह का टाइम है, आप सबको मेरी तरफ से सुबह की राम राम। सुबह के लगभग 9 या 9:30 का टाइम होगा, दिन है सोमवार, तारीख मुझे पता नहीं है क्योंकि ये ब्लॉग ना काफ़ी पुराना है, सावन का सोमवार है, और ये ब्लॉग ना मैंने रिकॉर्ड कर लिया था बट शेयर नहीं कर पाया था आप लोगों के साथ। तो ऐसे ही मैं गैलरी चेक कर रही थी, ये ब्लॉग पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, और फालतू में स्पेस भी घेर रहा है, तो शेयर करने के बाद हम इसको डिलीट कर देंगे तो स्पेस भी हो जाएगा मोबाइल में। तो सुबह के टाइम पे मैं जल्दी जल्दी से नहा धो के फ्री हो गई हूँ, बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं, और आई थिंक सावन का लास्ट सोमवार है। गाइस, मेरे मॉर्निंग के सारे काम फिनिश हो चुके हैं और अभी मैं कंघी कर रही हूँ, अभी भी काफ़ी सारे काम बचे हैं, घर की पूजा करनी है, मंदिर भी जाना है, फिर उसके बाद लंच तैयार करना है। तो सुबह ना बिल्कुल मैं सुपर फास्ट ट्रेन बन जाती हूँ, इतनी फास्ट फास्ट सारे काम करती फिर भी लेट हो ही जाता है। सो आज मैंने हेयर वॉश भी किए थे, तो बोलते हैं कि सोमवार के व्रत में ना शिव जी के व्रत में हेयर वॉश नहीं करती हैं, मतलब पानी नहीं टपकना चाहिए पूजा करते समय, लेकिन बाल ना बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रहे थे गर्मी की वजह से, बहुत ही जल्दी गंदे हो जाते हैं पसीने की वजह से, तो मैंने कहा वॉश कर लेती हूँ लेकिन जूड़ा लगा लूँगी तो पानी नहीं टपकेगा। सो मेरी कंघी करते वक्त मेरी बाली गिर गई थी गोल्ड की, कंघे में फंस के, तो मैंने वही देखी बेड पे पड़ी हुई, तो मैं अभी पहन लेती हूँ, उसके बाद मैंने जूड़ा लगा लिया है, थोड़े से बाल सूख भी गए हैं, फैन चल रहा है। तो चलिए फटाफट से चलती हूँ अपने घर के मंदिर में पूजा करूँगी सबसे पहले, फिर चलूँगी मंदिर शिव मंदिर जल चढ़ा के आऊँगी, भगवान शिव के दर्शन करके आऊँगी। तो चलिए कर लेते हैं पूजा, आप लोग पूरा वीडियो एंजॉय कीजिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, विदाउट इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो गाइस, मंदिर से भी पूजा करके मैं आ गई हूँ और अभी मेरी चाय बन रही है, ये देखो आप लोग भी आ जाइए चाय पी लीजिए। आज सावन का लास्ट सोमवार है और मैं तो हर सोमवार रहती हूँ, पूरी साल के ही रखती हूँ, तो चाय निकल गई होती है। और ये देखो मेरी बिंदी दिख नहीं रही ना बिल्कुल, आज मैंने ग्रीन कलर की लगाई है ना मैचिंग की, इस वजह से नहीं दिख रही, इसीलिए मैं मैचिंग की लगाती हूँ। रेड बिंदी हमेशा नज़र आती है, चाहे फ़ोटो में वीडियो में, नॉर्मली भी अच्छी लगती है। अभी मैं चेंज करके वापस से रेड लगाऊंगी, ग्रीन इसके ऊपर टीका भी लग गया है तो फिर समझ में ही नहीं आ रही बिंदी लगी भी है कि नहीं लगी है। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, इतनी जल्दी जल्दी सुबह से करने में लगी हुई थी, फिर भी 11:30 बजने को है, बज ही गए होंगे शायद, दिखाती हूँ टाइम। ये देखो तो 11:30 बजने ही वाले हैं, 11:22 हो गए। चलो भाई चाय पी लूं। चाय पी लूं।
11:30 पे चाय मेरी बन गई। फाइनली 11:30 पे मैं फ्री हुई हूँ पूजा पाठ से। घर पे पूजा की, फिर मंदिर गई, मंदिर से अभी जस्ट वापस आ रही हूँ। तो चाय बनने के लिए रख दी थी मैंने चाय, जब तक मेरी उबल गई है। अभी अपने बाल खोल लेती हूँ। सुबह मैंने गीले ही बाल लिए थे क्योंकि शिव जी पे ऐसा बोलते हैं कि बाल धुल के ना निचोड़ते हुए बाल पानी निकलता है तो पूजा नहीं करनी चाहिए। इस वजह से मैंने पूरे बांध लिए थे, जूड़ा लगा लिया था, बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा था। और जस्ट तो अभी खोल लेती हूँ, पूरे गीले रखे हैं। और अब्या का क्लेचर लगा लिया था मैंने, और आके वो टोकेगी। अगर उसने देख लिया मम्मा ने मेरा क्लेचर लगाया, जरूर टोकेगी। मेरा क्लेचर लगाया, वैसे वो वीडियो देखेगी तब जरूर टोकेगी वो, मम्मा आप मेरा क्लेचर यूज करती हो। तो चलिए, बाल पूरे गीले रखे हैं। परेशान हो जाते हैं यार सुबह से, इतने काम। अभी भी मुझे लगना है, अभी भी बिल्कुल रिलैक्स नहीं है। मुझे दूसरे चैनल के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करना है, बट काम भी बहुत है। अभी बच्चों के लिए खाना बनाना है और अपने लिए कुछ फलाहार में बनाना है, क्योंकि इनका भी व्रत है। मेरा तो चल जाता है, मैं कुछ भी मतलब बना लेती हूँ, लेकिन जब इनका भी व्रत होता है तो फिर ऐसा लगता है कुछ चाहिए। भाई काम करके आ रहे हैं तो कुछ खाने के लिए चाहिए। देखती हूँ, हमारी अब्या तो बोल के गई मम्मा मूंगफली की बर्फी बनाना। मैंने कहा क्या आपका व्रत है क्या? अब्या को बहुत पसंद है मूंगफली की बर्फी। साढ़े 11 बज गए। सो गाइज, हर बार की तरह मैंने फिर से आज व्रत में वही अपनी मूंगफली की बर्फी बनाई है, जो कि हमारे घर में सबको पसंद है और बहुत ही इजी है बनाने में और बहुत ही जल्दी बनके तैयार होती है। तो बर्फी अच्छे से सेट हो गई थी तो मैंने उसके पीसेस निकाल के कट कर लिए और यहाँ पे मैं इनके लिए लगा रही हूँ फलार। और भगवान जी का भोग मैंने लगा दिया है। सो इनके लिए मैंने 1 गिलास दूध और बर्फ़ी के पीस रख दिए हैं और यहाँ पे दूध मैंने ढक दिया है। बाकी का मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ। और आप लोगों को कैसी लगती है मूंगफली की बर्फ़ी कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग किस तरीके से बनाते हो ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए फलार कर लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए। गाइस, देख लिया ना आपने पूरा ब्लॉग, कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके। तो चलिए दिखाती हूँ साड़ियाँ की, मुझे कैसी साड़ियाँ मिली हैं राखी पे हमारे घर से। तो मुझे ये साड़ियाँ मिली हैं राखी पे, तो चलिए आपको दिखाती हूँ और मोबाइल को लगा देती हूँ ट्राइपॉड में और आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मुझे राखी पे कैसी साड़ियाँ मिली हैं। हमारी नमो रानी लेके बैठी हैं। तो ये साड़ी मेरी है, मेरी भाभी ने, भाभी आई हुई थी राखी पे हमारे यहाँ, तो उन्होंने दी है ये साड़ी। कैसी लग रही है आपको ये देखिए, कैसी लग रही है आपको जरूर बताते हैं। इस पे धागे की कढ़ाई है, अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब। तो चलिए आपको ये साड़ी ना खोल के दिखाती हूँ। इसमें देखो ये पैसे भी रखे हुए हैं, 100 रुपीज। मैंने निकाले ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं रहा निकालने का, क्योंकि ये साड़ी राखी पे मिली थी ना, उसके बाद मैंने गोदरेज में रख दिया था, उसके बाद निकाली ही नहीं। तो ये पैसे अभी भी रखे हुए हैं देखो, 100 रुपीज। और अब्या नब्या को भी कपड़े दिए थे ना मामी ने, उसमें भी 100 रुपीज रख के दिए थे। और इनकी ड्रेस मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये ऑलरेडी अपने ब्लॉग में दिखा चुकी है। इन लोगों के लिए भी कपड़े लेके आई थी भाभी यानी कि मामी, ये दोनों तो पहन चुकी हैं बट मैंने अभी पैकिंग भी नहीं खोली है। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कैसी कैसी साड़ी हैं। तो मुझे दो साड़ी मिली हैं, तो मैं चलिए पहले इसको खोल के दिखाती हूँ।
पैसे इसमें डाल दो। ये साड़ी है, ये देखो निकला है, इसके बहुत सारे कलर आए होंगे। मैं इसको पूरी नहीं खोल रही हूँ, आप ऐसे देख लीजिएगा। ये देखो, ये देखो। फोटो फुल देखना है तो आप इसमें देख लीजिए फोटो में। और एक साड़ी मुझे ये मिली है, ये मेरी चाची ने दी है, बीच वाली चाची ने। तो चलिए, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि ये सिंपल है, कैसे भी आप इसको पहन सकते हो और कहीं भी पहन सकते हो। बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, खोल के दिखाती हूँ आपको। ये वाली साड़ी मुझको अच्छी लगी। आपको कैसी लगी? और अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट। कैसी लग रही है आपको ये साड़ी? कलर कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है और बहुत ही सुंदर लगी मुझे ये साड़ी। और मैंने यही वाला कलर लिया हुआ था, और भी कलर थे बट मुझे ये सबसे प्यारा लगा। आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो, तो ये दो साड़ियाँ मिली हैं मुझे। तो मुझे ये दो साड़ियाँ मिली हैं, एक ये है और एक ये है। तो कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है कमेंट करके बताना। ये वाली अच्छी लग रही है ज़्यादा। ये वाली अच्छी लग रही है क्योंकि ये थोड़ा कढ़ाई में है, डिज़ाइन में है। ये प्लेन है, सिंपल। वैसे भी आजकल प्लेन ज़्यादा चल रही है तो इसको आप कहीं भी वियर कर सकते हो, कैसे भी पहन सकते हो और पहन के लेट भी सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये कढ़ाई वाली ना चुभती है, सिंपल साड़ियाँ ना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। सो ये दो साड़ियाँ मुझे मिली हैं राखी पे, बाकी की दो चाचियों ने मुझे पैसे दिए हैं तो उनसे मैंने खरीदी नहीं है क्योंकि दो ही बहुत हैं, फिर क्या करूँगी साड़ी लेके। तो उन्होंने बोला था अपनी पसंद की ले लेना बट मैंने नहीं ली है। ऐसे ही हो जाता है, साड़ियाँ मिल जाती हैं तो ठीक है, लेकिन पैसे मिल जाते हैं तो फिर पैसे से नहीं ले पाते हैं लोग, खर्ची हो जाते हैं पैसे। और मैंने ली भी नहीं है, ये मिल गई दो, ठीक है अब आगे कभी देखेंगे। सो मुझे इसका फोटो बहुत प्यारा लग रहा है। फोटो प्यारा लग रहा है, चाहिए आपको? एक ही तो फोटो है इसमें लगा हुआ था। सो गाइस, चलिए यहीं पे मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा आप सबको जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, पब्लिक करें, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट से आ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।